कि हिजबुल्ला ने रविवार रात इसराइल के हाइफा शहर पर हमला किया। हिजबुल्ला ने पहली बार उत्तरी इसराइल के इस शहर को निशाना बनाया है। इसमें कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। लोगों को छबे और कांच से चोटें आई हैं और सभी को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हिजबुल्ला ने तिबेरिया शहर पर भी हमला किया। इसमें एक शख्स घायल है। वहीं हिजबुल्ला ने कहा कि उसने इसराइल के कार्मेल मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। इसराइली अधिकारियों ने कहा कि हिजबुल्ला ने रविवार को लेबनान से 120 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। लेबनान में इसराइली सैनिकों का हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन जारी है।